नमस्कार दोस्तों मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर घिर गए हैं जी जहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा आरोप लगा दिया है दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि एक एक विधायक का 25-25 करोड़ रुपए लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया उनका कहना है की इतिहास गवाह है की एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी करती है बता दे दिग्विजय सिंह मधुसूदनगढ़ में कार्यक्रम करने पहुँचे थे जहाँ पर उन्होंने सिंधिया पर हमला कहा कि कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी लेकिन ज्योतिराद्य सिंधिया चले गए छोड़कर और 25-25 करोड़ रुपए ले गए एक एक विधायक का उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ सिंधिया ने गद्दारी की लेकिन इसका मैं क्या करूं? किसने सोचा था जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी करती है तो भाई सोच समझ के गद्दारी करना बता दे दिग्विजय सिंह एक दिन पहले ही मधुसूदनगढ़ इलाके के रघुनाथ गांव पहुंचे थे पार्वती नदी पर बनने वाले बांध में यह गांव डूब जा रहा है इस सिलसिले में वह ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे थे वहीं पर ग्रामीणों के समर्थन में इस सभा का आयोजन किया गया था आम सभा में मांग की गई थी कि जिन किसानों की जमीन डूब जा रही है उन्हें सरकारी रेट से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाए इसी दौरान उन्होंने ज्योतिराद्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की और एक एक विधायक का 25-25 करोड़ रुपए लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया अब माना जा रहा है की दिग्विजय सिंह के इस बयान को सिंधिया की आम सभा के पलटवार के रूप में अब देखा जा रहा है दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शनिवार को पहली बार दिग्विजय के नगर राघोगढ़ में सार्वजनिक सभा की इससे पहले वे केवल एक बार किले पर पहुंचे थे सिंधिया ने सभा में अपने भाषण के दौरान एक बार भी न तो दिग्विजय सिंह का नाम लिया और न ही जयवर्धन सिंह का इसी को लेकर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि सिंधिया ने एक एक विधायक का 25-25 करोड़ रुपए लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया हालांकि इन आरोपों के बाद अब तक ज्योतिराद्य सिंधिया की तरफ ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है